सबसे पहले हमने कलेजी ले ली है, तकरीबन 750 ग्राम के करीब ये कलेजी है। इसमें मैंने दिल भी लिया है, तिल्ली गुर्दे सब मिक्स है। आप चाहें तो सिर्फ कलेजी ले सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो इसको मैंने ओवरनाइट जो है वो अदरक लहसुन का पेस्ट लगा के रख दिया था। आप चाहें तो 1 घंटा पहले भी लगा के रख सकते हैं। अच्छी तरह धो के अदरक लहसुन का पेस्ट लगा के इसको फ्रिज में रख दीजिए, ओवरनाइट रखें या 1 आवर रखें पहले पकाने से पहले। तो अब इसको मैंने अच्छी तरह ये मैरिनेट हो गई है, इससे इसकी स्मेल निकल जाएगी, बिल्कुल भी स्मेल नहीं आएगी कलेजी में। तो अब इसको मैं वॉश करके आपको फिर आगे का प्रोसेस बताती हूँ। कलेजी बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स हमें दरकार होंगे वो मैं आपको बता देती हूँ। 3 हरी मिर्चें हमने ली हैं, इसको हाफ इस तरह से कट कर लिया है। 1/4 कप के करीब इसमें ऑयल जाएगा। 3 मीडियम साइज़ के प्याज हैं जिसको हमने स्लाइस में कट कर लिया है। ड्राई इंग्रेडिएंट्स में 1.5 टेबल स्पून टिक्का मसाला है, 1.5 टीस्पून नमक है इसमें, 1/4 टीस्पून हल्दी जाएगी, 1/2 टीस्पून रेड चिली पाउडर जाएगा, लाल मिर्च का पाउडर, 1/2 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च जाएगी, 1 टीस्पून इसमें पिसा भुना हुआ जीरा जाएगा और 1 टेबल स्पून इसमें धनिया पाउडर जाएगा। 1.5 टेबल स्पून इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट जाएगा। 200 ग्राम इसमें दही जाएगा आपका फेटा हुआ। 3 बड़े साइज के टमाटर हैं जिनको मैंने इस तरह से पेस्ट बना लिया है, आप चाहें तो रफली चॉप्ड करके भी डाल सकते हैं। और ये कलेजी, गुर्दे और दिल वगैरह सब मिक्स हैं, 750 ग्राम्स हैं। आप चाहें तो खाली कलेजी भी ले सकते हैं। तो चलें अब अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। एक कढ़ाई ले ली हमने, कढ़ाई में हमने 1/4 कप जो है ऑयल डाल दिया है। ऑयल थोड़ा गर्म हो जाएगा तो फिर हम इसमें प्याज डालेंगे, जो हमने ये कटी हुई प्याज रखी थी स्लाइस हुई हुई। प्याज इसमें चली जाएगी, इसको हम अच्छी तरह से भून लेंगे। प्याज को हल्का सा गोल्डन ब्राउन करना है, ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है। प्याज को हम लोग थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन कर लेंगे और फिर इसमें बाकी चीज़ें जाएंगी। प्याज का कलर चेंज होने लगा है, ये देखें आप, गोल्डन ब्राउन हो रहा है इसका कलर। बस इसी वक्त पे हमें इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालना है। थोड़ा सा इसको भूनना है, अदरक लहसुन के पेस्ट को हल्का सा फ्राई करना है। और साथ ही फिर इसमें हमने टमाटर का जो हमने पेस्ट बना के रखा था वो डाल देना है। और इसको अच्छी तरीके से भून लेना है, उसके बाद हम इसमें बाकी मसाले डालेंगे। टमाटर को इतना भूनना है कि बस टमाटर का कच्चापन थोड़ा निकल जाए। ये देखें आप, हल्का हल्का इस पर ऑयल भी आ रहा है और थोड़ा सा ये हल्का सा भुन गया है। अब इस स्टेज पे हम इसमें तमाम ड्राई मसाले डालेंगे जो मैंने आपको बताए थे, ये तमाम ड्राई मसाले इसके अंदर चले जाएंगे। इनको अच्छी तरीके से मसालों के साथ भून लेंगे। जब तक भूनेंगे तब तक ऑयल इसका सेपरेट ना हो जाए। अब मसाले डल गए हैं तो अब इसको अच्छी तरह से भून लेंगे। 2 से 3 मिनट में ये मेरा मसाला भून गया है, ये देख लीजिए, ऑयल इसका सेपरेट होने लग गया है मसाले का, इस शक्ल में ये आ गया है। अब इसमें मैं दही डाल दूंगी जो मैंने दही रखी थी। आप चाहें तो दही कम भी डाल सकते हैं, लेकिन हम लोगों को थोड़ी सी जैसे ग्रेवी वाली कलेजी बनानी है मुझे, तो उसके लिए मसाला इसका बनाने के लिए मुझे दही इसमें 200 ग्राम के करीब डालना है। ये इसमें दही चला जाएगा फेटा हुआ और इसको भून लेंगे अच्छी तरीके से। अब दही डाल के इसको भूनना है ताकि इसमें गुठलियाँ ना पड़े। मसाला अच्छी तरह से भून गया है, देख लें आप, ऑयल कितना अच्छा ऊपर आ गया है, सेपरेट हो गया है ऑयल। जब मसाला और दही वगैरह सब अच्छी तरीके से भून जाएं तो इसमें इस टाइम पे आपने कलेजी डालनी है। ये धुली हुई कलेजी है, मसाला अच्छी तरीके से भुन गया है, मैंने इसमें कलेजी डाल दी है। अब इसको अच्छी तरह से इसमें मिक्स कर लेंगे।
अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे इसमें, और ये अच्छी ग्रेवी वाली बनती है कलेजी, बहुत मज़े की बनती है। और कलेजी को ज़्यादा पकाना नहीं है वरना ये हार्ड हो जाएगी। ये देखें, कलेजी को हमने मसाले के साथ 4 से 5 मिनट तक भूनना है, और हल्के हाथ से भूनना है, ढक के नहीं पकाना है इसको, और हल्के हाथ से भूनना है ताकि ये टूटे नहीं। ठीक है, इसको 4 से 5 मिनट मसाले के साथ ऐसे ही खुले में भूनना है। 3 से 4 मिनट हो गए मुझे, 5 मिनट तकरीबन। ये देख लीजिए, मैंने इसको तेज़ आंच पे भूना है और ये इसका पानी खुश्क हो गया है, ऑयल इसका सेपरेट हो गया है। अब इस टाइम पे हम इसमें जो हमने हल्का सा इस पे थोड़ा सा पानी डाल दूंगी मैं, और ये जो हमने काट के रखी थी हरी मिर्चें, ये हरी मिर्चें इसमें चली जाएंगी। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे। और साथ में इसमें जाएगी मेथी, मेथी जो हमने निकाल के रखी थी, ये मेथी इसमें चली जाएगी। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर देंगे। और हल्की आंच पे इसको ढक के 2 से 3 मिनट के लिए दम दे देंगे कि मेथी का, हरी मिर्चों का, सबका इसमें थोड़ा सा फ्लेवर आ जाए। तो फिर मैं आपको इसका फाइनल लुक दिखाऊंगी कि क्या होता है। वैसे कलेजी तैयार है तकरीबन, लेकिन इसको हल्का सा ये कि थोड़ी सी खुशबू इसमें आ जाएगी, तो उसके लिए हम इसको 5 मिनट ढक के रखेंगे। ठीक है, फिर मैं आपको इसका फाइनल लुक बताती हूँ। मैं इसको ढक देती हूँ और 5 मिनट के बाद इसको मैं आके दिखाऊंगी कि इसका फाइनल लुक क्या हुआ है। 5 मिनट हो चुके हैं, अब मैं आपको इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छी पक के तैयार हुई है कलेजी। ये देखें, भुन चुकी है अच्छी तरह से, ऑयल इसका बिल्कुल सेपरेट हो चुका है। ये आप इसकी देख लें, पोजीशन ये होगी, अच्छी ग्रेवी बन गई है जैसी मुझे चाहिए थी। और तमाम बोटियां सब कुछ गल चुका है, ज़्यादा देर इसको नहीं पकाना है आपको। मैं अब इसको डिश आउट करके इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ। ये देखिए जी, मज़ेदार सा फाइनल लुक इसका, ज़बरदस्त यामी भुनी हुई कलेजी मसाले वाली तर बन के तैयार है। आप लोग इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। बहुत मज़े की बनती है, तो इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा।